नमस्कार दोस्तों मार्च 2023 में रीनूल एनर्जी के फील्ड में क्या अपडेट रहा उसके बारे में डिस्कस करेंगे और जैसा कि मेरे पहले वीडियो की तरह ही इसको दो पार्ट में बनाते हैं जो अभी जो बना रहे फर्स्ट पार्ट ये बेसिकली गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज अपडेट रहा इसमें क्या इन्वेस्टमेंट रहा क्या रेगुलेटरी अपडेट्स रहा उसके बारे में डिस्कस करते हैं जो सेकेंड पार्ट है बेसिकली टेंडरिंग और कमिश्निंग से रिलेटेड टॉपिक्स पर कवर करते हैं आइए हम फर्स्ट पार्ट पे कवर करते हैं और ये जो न्यूज़ का जो रेफरेंस है बहुत सारी न्यूज एजेंसीज से लिया गया है जिसमें कि मेनली मार्काम इंडिया जे एम के रिसर्च ई टी एनर्जी सौर एनर्जी और भी बहुत सारे अदर्स हैं उन सबसे कंपाइल करके ये न्यूज़ को बनाया गया है तो हम बात करते हैं न्यूज़ पर बात करते हैं कि जो मार्च ट्वेंटी में मेजर जो बेसिकली जो न्यूज़ रही वो क्या रही जो फर्स्ट है द इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट ऑफ गुजरात एंड ओसियर एनर्जी इंडिया साइन डे मेमोरियडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट इन द कच्छ डिस्ट्रिक्ट विद इन्वेस्टमेंट ऑफ फोर थाउजेंड करोड़ एंड अ प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ वन मिलियन टन्स पर एनम और ये जो कैपेसिटी बेसिकली दो फेज में डेवलप की जाएगी और इट इज एक्सपेक्टेड कि ट्वेंटी थर्टी तक ये जो है प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा इसका <laughs> नेक्स्ट है गोदावरी ग्रीन एनर्जी हैज एक्वायर्ड ए ट्वेंटी फाइव मेगावाट ऑपरेशनल सोलर प्रोजेक्ट्स फ्राम समता एनर्जी इन द सुर्रगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात और जो डील हुई है जो एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ एक्विजीशन है इट इज अराउंड वन फोर्टी करोड़ नेक्स्ट है एज पर द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ग्लोबल एनर्जी रिलेटेड कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन रोज़ बाई अंडर वन परसेंट ड्यूरिंग द ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी टी विच इज़ दोअर देन इनिशियली एक्सपेक्टेड पहले ये था कि ज़्यादा बढ़ेगा लेकिन एक परसेंट के अंदर में ही रहा और उसका जो मेन रीज़न है ये रहा कि जो आ, सोलर विंड और बहुत सारी रीन्यूवल एनर्जी में इतनी सारी कैपेसिटी जो ग्रो की है जो हुआ है उसकी वजह से ये ऑफसेट हुआ है नेक्स्ट केरला स्टेट इलेक्ट्रीसिटी रेगुलेटरी कमीशन हैज सेट 2.97 पर यूनिट एंड 2.69 पर यूनिट एट द एवरेज पावर परचेज कॉस्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 29, 20 एंड 22, 23 और ये बेसिकली जो रेगुलेटरी कमीशन का ने जो ये ए रेट सेट किया इट इज़ बेस्ड ऑन द केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हैज फाइल्ड पटीशन विद दमीशन टू डरमिन पी पी सी ट्वेंटी फाइनेंशियल ट्वेंटी एंड फाइनेंशियल ट्वेंटी नेक्स्ट है टस्को टस्को बेसिकली क्या है कि जॉइंट वेंचर कंपनी है टी और यूपी नेटा की जिसमें कि मेजोरिटी शेयर होल्डर सेवेंटी सिक्सेंट अराउंड टी इंडिया का है और यूपी नेटा का जो है अराउंड ट्वेंटी सिक्स परसेंट के आसपास है ये जो टस्को कंपनी है बेसिकली उत्तर प्रदेश में सोलर पार्क डेवलप कर रही है टस्को हैज इनिशिएटेड बिट्स फ्राम कंसल्टेंट टू प्रिपेयर फिजिबिलिटी कम डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट टू डेवलप एट मेगावाट अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क इन द चित्रकूट उत्तर प्रदेश इसके अलावा और भी दो तीन बड़े सोलर पार्क जो है यूपी में डेवलप कर रही है टस्ट को नेक्स्ट अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ये जो है बेसिकली अदानी ग्रीन एनर्जी जो है हंड्रेड परसेंट सब्सिडी कंपनी है अदानी की हैज ऑपरेशनलाइज द सेवन हंड्रेड मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट्स इन राजस्थान ये बेसिकली सोलर विंड हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स अदानी लगा रहा था उसी के अंतर्गत जो है ये सेवन हंड्रेड मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट्स उसने कमीशन किया ऑपरेशनलाइज किया है और अगर टोटल पोर्टफोलियो की बात करें तो आज की डेट में जो ऑपरेशनल पोर्टफोलियो मतलब जो प्लांट जो कमीशन हो गए हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं तो अदानी ग्रीन हैज नाउ द लार्जेस्ट ऑपरेटिंग पोर्टफोलियो इन इंडिया विद जीरो नेक्स्ट हैगन इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर्स हैज इंटर्ड इंटू पार्टनरशिप विद रिन्यूएबल्स टू डेवलप मोर देन पॉइंट एट गेगाट ऑफ ग्रीन फील्ड एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन इंडिया इनिशियली द पार्टनरशिप विल कंसंट्रेट ऑन टू ऑन शोर विंड प्रोजेक्ट्स विद कंबाइंड कैपेसिटी ऑफ ओवर फाइव हंड्रेड मेगावाट नेक्स्ट है द मिनिस्ट्री ऑफ पावर हैज नोटिफाइड रिन्यूअल जनरेशन ऑब्लिगेशन एज पर द डिवाइस टेरी पॉलिसी 2016 और ये बेसिकली है क्या चीज़ इसमें जो ये बोला गया कि जो कोल और लिग्नाइट बेस्ड थर्मल पावर जनरेटर जनरेटिंग स्टेशन है अगर उनकी जो कमिश्निंग है जो सी ओ डी है कमर्शियल ऑपरेशन डेट जो है सी ओ डी जो है अगर फर्स्ट अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री से लेकर के थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव के बीच में अगर आती है उस केस में जो जिसकी जितनी इंस्टॉल कैपेसिटी होगी उसका फोर्टी परसेंट जो है रिन्यूअल जनरेशन ऑब्लिगेशन करना पड़ेगा और ये जो कम्प्लायंस है ये कम्प्लाइंस है फर्स्ट अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव तक करना पड़ेगा लेकिन अगर फर्स्ट अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव के बाद अगर अगर प्रोजेक्ट अगर आता है थर्मल प्रोजेक्ट अगर आता है तो उस केस में ये मैंडेट्री है कि आपको करना ही पड़ेगा मतलब जो सी ओ डी है उसके बाद अगर होता है फर्स्ट अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव के बाद जो भी टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी है उसका फोर्टी परसेंट जो है आपको रिन एनर्जी से मीट करना पड़ेगा कैप्टिव कोल लिगनाइट बेस्ड थर्मल पावर जनरेटिंग स्टेशन है उसको जो, RGO, जो है आर जो ऑब्लीकेशन है रिनूअल जनरेट ऑब्लिकेशन उससे उसको एक्जेप्ट रखा गया लेकिन ये बोला गया कि आपको रिनल परचेज ऑब्लीकेशन एज पर जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो नोटिफिकेशन उसके हिसाब से आपको फुलफिल करना पड़ेगा नेक्स्ट फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडियाज रिन्यूअल एनर्जी सेक्टर इज टू डट टू मिलियन डॉलर इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियलियल ईयर ट्वेंटी और फोर्टी परसेंट डिक्लाइन कंपेयर टू फोर मिलियन डॉलर इन क्वार्टर टू नेक्स्ट द गवर्नमेंट हैज़ एक्सेप्टेड द रिकमेंडेशन ऑफ ए टास्क फोर्स ऑन मॉडर्नाइजिंग इंडियाज पावर ट्रांसमिशन सेक्टर पेविंग द वे वे ऑफ रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑटोमेटेड ग्रिड ऑपरेशन एंड इंक्रीज रिन्यूअल एनर्जी इंटीग्रेशन टू द पावर मिक्स बेसिकली क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने एक टास्क फोर्स बनाया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सी एम डी पावर ग्रिड वो टास्क फोर्स ने बेसिकली uh, ये uh, कुछ रिप, रिपोर्ट सबमिट की थी मिनिस्ट्री ऑफ़ पावर को मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने उस रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया है जिसमें कि मेनली जो बात कर रहे हैं कि इसमें जो रियल टाइम मॉनिटरिंग और ऑटोमेटेड ग्रिड ऑपरेशन और जो रिन्यू एनर्जी का जो बहुत ज़्यादा टारगेट रखा गया उसका पेनेट्रेशन के लिए कैसे क्या फुलफिल किया जाएगा उसके लिए था ये नेक्स्ट है सेंट्र इलेक्ट्रिस रेगुलेट्री कमीशन हैज अमेंडेड द स ई आ सी शेयरिंग ऑफ इंटरस्ट ट्रांसमिशन चार्जेज एंड लॉसेस रेगुलेसन ट्वेंटी ट्वेंटी टू वेविंग इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम चार्जेस फॉर रिनुअल एनर्जी जनरेटिंग स्टेशन एंड पम्प हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन बिगिनिंग कॉमर्शियल ऑपरेशन बाई जून थर्टी ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव जैसे कि मैं आपको इसमें अपडेट कर देता हूँ मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने ऑलरेडी जो है एक ऑर्डर पब्लिश किया था जिसमें यह था कि अगर थर्टी एथ जून ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव तक कोई भी रिन एनर्जी प्रोजेक्ट्स जिसमें कि मेनली सोलर विंड और पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स अगर लग जाते हैं तो उसका इंटर स्टेट ट्रांसमिशन चार्जेज जो होगा वो वेव्ड ऑफ होगा फर्दर ट्वेंटी फाइव ईयर्स के लिए उसी को सी आर सी ने इसको इनकॉर्पोरेट कर लिया रेगुलेशन में नेक्स्ट द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन रिसेंटली अप्रप्रूव द टेरिफ ऑफ टू पॉइंट थ्री सेवन पर यूनिट एंड टू पॉइंट थ्री एट पर यूनिट डिस्कवर थ्रू द कॉम्पिटेटिव बिडिंग प्रोसेस फॉर 1400 हंड्रेड मेगावाट ऑफ आई एस टी एस कनेक्टेड सोलर पावर प्रोजेक्ट्स ट्रांच नाइन्थ मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर अपडेट कर दूँ जो आज की डेट में जो टैरिफ होता था ये बेसिकली अंडर uh, uh, जो है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट टू थाउजेंड uh, थ्री है उसमें एक सेक्शन सिक्सटी टू है एक सेक्शन सिक्सटी थ्री है सेक्शन सिक्सटी टू में जो है रेगुलेटर डिटर्मिन करता है ऑन द ईयर ईयर बेसिस पे और सेक्टर थ्री में जो है उसमें रेगुलेटर एडॉप्ट करता है तो तब होता है कि जो स्टैंडर्ड बीडिंग डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से अगर बीडिंग हुई है तो बस रेगुलेटर ये चेक करता है कि जो बीडिंग जो भी पैरामीटर हैं या जो भी बीडिंग हुई है एज पर जो मॉडल डॉक्यूमेंट्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने जो नोटिफाई किया है उसके हिसाब से है या नहीं है तो आज के में तो जो सोलर और विंड की जितनी भी सारी बिल्डिंग्स हो रही हैं अंडर टेरी बेस्ड कॉम्पिटेटिव बीडिंग हो रही है, हो रही है और एज पर दो तो स्टैंडर्ड जो डॉक्यूमेंट्स है उसके हिसाब से हो रही है तो इस केस में जो रेगुलेटर है जनरली अडॉप्ट करता है Next, Ministry of Power Government of India has launched a high price day ahead market <coughs> and surplus power portal aiming to ensure greater power availability during the peak demand season. In August 2022, the Ministry of Power, power has proposed the introduction of SPDAM. Next, solar projects commissioned by 31st March 2024 will now be exempted from procuring modules listed under LM. ये एक्चुअली इंडस्ट्री जो है बेसिकली जो प्रोजेक्ट डेवलपर है उनकी बहुत डिमांड हो रही थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि जो ए एल का जो मैंडेट है इसको एग्जेम्ड किया जाए उसका रीजन है ए एल एक्चुअली क्या है कि अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल मैनुफैक्चरस मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यू एनर्जी ने एक नोटिफाई किया है उसमें ये है कि जो भी डिस्कॉम अगर पावर परचेज कर रहा है तो मेनली आज की डेट में एट्टी नाइन्टी परसेंट जो भी पावर प्रोकोरमेंट होता है वो डिस्कॉम ही करता है तो अगर डिस्कॉम पावर परचेज कर रहा है या ओपन एक्सिस में प्रोजेक्ट लग रहा है और रूफ टॉप में अगर प्रोजेक्ट्स लगा तो मेनली अगर देखा जाए तो हंड्रेड परसेंट ही आ, कवर कर लिया गया इसमें ये मैंडेटरी है कि जो एल में आप एल अप्रूव्ड जो है मैन्युफैक्चरर्स और मॉडल से ही आपको लेना पड़ेगा और इस जो एल अप्रूव्ड जो एम ने जो अपडेट किया है उसमें मेनली जो है सारी जो कंपनीज़ हैं या जो है जो भी पैनल्स इसमें जो अपडेटेड हैं वो सारे इंडियंस कंपनी और इंडियंस पैनल ही हैं बाहर के कोई भी इसमें अपडेट नहीं और आज के डेट तो में सेवेंटी एट्टी परसेंट जो भी पैनल्स इंपोर्ट किया जाए तो चाइना से किया जाता है तो एक इसकी वजह से क्या होता है कि क्या हो रहा था कि जो डिमांड था डिमांड और सप्लाई में काफ़ी गैप हो रहा था और इसकी वजह से प्राइस इन्फ्लेशन या जो भी ये प्रोजेक्ट भी प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था और बहुत सारे टेंडर्स हैं जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे एग्जीक्यूट हो रहे थे इस चीज़ों को कंसिडर करते हुए आ, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एन एनर्जी ने ये एग्जेम्ट किया एक साल के लिए नेक्स्ट एज पर ब्लूमबर्ग एन द यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन अप्रॉक्सिमेटली फोर्टी थ्री और इसमें सबसे बड़ी बात है कि फोर्टी थ्री में जो रिन एनर्जी जो है थर्टी टू की गॉट है न्यू पावर जनरेशन एंड एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी इन ट्वेंटी ट्वेंटी टू इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर ब्राइट नाइट एंड एस एन कॉर्पोरसन विल ज्वाइंटली डेवलप फर्स्ट टू गॉट एनर्जी पोर्टफोलियो इन इंडिया नेक्स्ट है इंडियन रिन्य एनर्जी डेवलपमेंट एनर्जी एजेंसी एक्चुअली ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड एनर्जी के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में काम करती है जो ये येडा को है इरडा हैज़ बीन ग्रांटेड एन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी स्टेटस बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द आई स्टेटस इज एक्सपेक्टेड टू हेल्प द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी अचीव कंपिटेटिव फंड रेजिंग रेट्स बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू द ब्रॉडर इन्वेस्टर बेस इरडा वॉज प्रीवियसली क्लासिफाइड एज ए इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी नेक्स्ट है एन टीपीसी रिनील एनर्जी हैज़ इन्वाइटेड बिट्स टू इनलिस टेक्निकल कंसल्टेंट फॉर द ग्रीन अमोनिया फिजिबिलिटी स्टडी The scope of work includes feasibility study to assess requirement for green ammonia projects, including capital expenditure, operational expenditure, and gestation periods. The consultant is expected also expected to determine the optimum levelized cost of the green ammonia. Next, China has raised the specific trade concern. अगेंस्ट इंडिया रेगुलेशन ऑफ एल जैसा कि मैंने जस्ट आपको अभी अपडेट किया था कि ए में कोई भी जो है ये मैंडेटरी था अभी तो एग्जाम कर दिया गया एक साल के लिए मैंडेटरी था कि कोई भी अगर कंपटेटिव रीडिंग हो रहा है और जिसमें पावर प्रोक्यूर अगर डिस्कॉम है तो उस केस में ये था कि जो भी पैनल्स लाएंगे वो एल लिस्ट से ही लिया जाएगा और जिसमें कोई भी चाइनीज़ कंपनी नहीं थी तो चाइना ने इस चीज़ को डब्ल्यू जो है उनका जो भी मीटिंग होता है रेगुलर मीटिंग उसमें इस चीज़ को रेज किया गया कि डब्ल्यू टी ओ कंप्लायंस इस्टेटस नहीं है और इंडिया इसको वायलेट कर रहा है द अप्रूव लिस्ट ऑफ मॉडल मैनुफैक्चर हैज़ बार्ड चाइनीज कंपनी फॉर सप्लाइंग मॉडूल्स फॉर डोमेस्टिक सोलर प्रोजेक्ट्स चाइनीज चाइना कंसिड एल एम ए ट्रेड वैरियर इज सीकिंग टू रेज अ ट्रेड डिस्प्यूट एट द डब्लू टी ओ नेक्स्ट स्टेट्स हैव क्यूमलेटिवली इंस्टॉल्ड ओनली हाफ ऑफ द एलोकेटेड कैपेसिटी ऑफ थ्री पॉइंट थ्री एट गवट इन रेजिडेंसियल रूप ऑफ सोलर अंडर फेज टू ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूप ऑफ प्रोग्राम ऑफ द एम आरी बेसिकली क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिनू एनर्जी के लिए रूफ टॉप के लिए एक स्कीम है रूफ टॉप स्कीम फेज टू उस स्कीम के अंतर्गत जो कैपेसिटी जो एम एनारी ने एलोकेट कर रखी है दैट इज अराउंड थ्री पॉइंट थ्री एट गी गवाट एलोकेट कर रखी है जितना एलोकेशन किया हुआ बेसिकली टू थाउजेंड में ये स्कीम लाई गई थी और जितना एलोकेट किया गया स्टेट्स को उसमें केवल 50 ही कैपेसिटी लगी है next है नेक्स्ट मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम द सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स पैनल्स एंड सेल्स हैज बीन एडेड टू द ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स ट्वेंटी नेक्स्ट एज पर द दॉरकॉम रिपोर्ट इंडिया एडेड टू पॉइंट ऑफ सोलर ओपन एक्सिस इन द कैलेंडर ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी टूर इन ईयर इंक्रीज ऑफ ट्वेंटी टू परसेंट इंस्टॉल्ड इन कैलेंडर ईयर ट्वेंटी काफ़ी एक ह्यूज जंप आना जाएगा और अगर देखा जाए तो एक बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है सी एंड आई सेगमेंट्स में कि जो कि ओपन एक्सिस में सोलर एक प्रोजेक्ट्स और जो रिन्यूअल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं नेक्स्ट है द आसाम कैबिनेट हैज गिवन इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर सेटिंग अप सिक्स ट्वेंटी मेगावाट ऑफ रिन्य एनर्जी प्रोजेक्ट्स अंडर द जॉइंट वेंचर बिटवीन द आसाम पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन एंड द ऑयल इंडिया नेक्स्ट आंध्र प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन हैज डायरेक्टेड द स्टेट Distribution company to pay a tariff of 2.93 per unit for the power purchased from the 2.3 megawatt wind power project from the commercial operation date of the project under the date of disconnection. Next, the Indian Renewable Energy Development Agency IRDA has received the cabinet note for the listing on, on stock exchanges after initial public offer via part sale of the government's stake in the company. The Department of Investment or Public Asset Management will be responsible for the listing process. Next, the government हैज़ अलाउड एन टी पी सी टू इन्वेस्ट इन इट सब्सिडरी एन टी पी सी ग्रीन एनर्जी बियॉन्ड द लिमिट ऑफ थर्टी परसेंट अलाउड फॉर द महारत्ना सेंटर पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज़ बेसिकली क्या है कि एन टी पी सी ने एक हंड्रेड परसेंट सब्सिडी कंपनी बनाई थी एन टी पी सी ग्रीन एनर्जी जो कि रिन्यूअल एनर्जी के फील्ड में काम करेगा और अभी आज के डेट में एन टी पी सी के जो भी रिन्यूल एनर्जी का पोर्टफोलियो जितना सारा सारा एन टी पी सी ग्रीन एनर्जी को चला जाएगा अब जो मैक्सिमम जो टारगेट है एन टी सी अब जो भी कैपेसिटी लगा रही है एनर्जी के फील्ड में ही लगा रही है इसलिए उसमें फर्दर और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा लेकिन ये जो लिमिट है थर्टी परसेंट से ज्यादा नहीं कर सकते हैं इसी के लिए कैबिनेट में गया था और कैबिनेट ने इसको अलाउ कर दिया कि आप थर्टी परसेंट से ज्यादा भी आप इसमें इन्फ्यूज कर सकते हैं एन टी पी ए सेट टारगेट ऑफ रीचिंग द रिर्जी एनर्जी ऑपरेशनल कैपेसिटी ऑफ ट्वेल्व गी गाट बाई एंड सिक्सटी गावट कैपैसिटी बाई ट्वेंटी नेक्स्ट एन ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है साइंड अ ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट विद इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन टू डेवलप द राउंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स दैट कैन मीड द अराउंड द कॉपॉ पॉलर रिक्वायरमेंट ऑफ आई ओसील रिफाइनरीज नेक्स्ट द महाराष्ट्र इलेक्ट्रिस रेगुलेट्री कमीशन हैज एडॉप्टेड टेरफ ऑफ थ्री पॉइंट टू एट पर यूनिट थ्री पॉइंट टू नाइन पर यूनिट एंड थ्री पॉइंट थ्री पर यूनिट फॉर द प्रोयॉयरमेंट ऑफ एट पॉइंट सेवन मेगावाट ऑफ सोलर प्रोजेक्ट्स ऑन द लॉन्ग टर्म बेसिस और ये जो प्रोजेक्ट्स लगे थे ये बेसिकली पी एम कुसुमे की स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिव्यू एनर्जी के अंडर कम्पोनेंट है उसके अंतर्गत यह प्रोजेक्ट लगाए गए थे और जो कंपोनेंट ए है बेसिकली 500 हंड्रेड किलोवाट से 2 मेगावाट तक के हम प्रोजेक्ट लगा सकते हैं और फार्मर्स और जो उनके एसोसिएशन है ये उनके बेनिफिशरी के लिए हैं नेक्स्ट लार्सन एंड टूब्रो हैज साइंड बाइंडिंग एग्रीमेंट विद द मैकफी एनर्जी अ फ्रेंच इलेक्ट्रोलाइजर टेक्नोलॉजी एंड मैनुफेक्चरिंग कंपनी फॉर अ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप टू एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटी इन द इमर्जिंग ग्रीन हाइड्रोजन मार्केट मैकफी विल प्रोवाइड एल विद एक्सक्लूसिव लाइसेंस टू यूज इट यूज इट्स प्रेसराइज alkaline electrolyzer technology for manufacturing electrolyzers including any future product upgrades next mnre has modified the approved list of modular manufacturers guidelines and provided exception to the broaden the qualification criteria for modules produced under the agreement between original equipment manufacturers and a brand owner as next as per the international renewable energy agency irna renewal capacity grew by 9.6% in 2022 adding a record 295 gigawatt worldwide दिस अकाउंट्स फॉर एटी थ्री परसेंट ऑफ़ द ऑल कैपेसिटी एडेड लास्ट ईयर एंड ब्रिंक्स द ग्लोबल रिनूअल एनर्जी जनरसन कैपेसिटी टू थ्री थ्री सेवन टू गिउट बाई एंड ऑफ दिस ईयर बेसिकली क्या है कि इरना की जो रिपोर्ट है पूरा वर्ल्ड वाइड को इसने कवर किया ये यही बता रहा है कि जो पिछली बार जो कैपेसिटी थी जो जैपेसिटी दो हज़ार बाईस में लगी है उसमें टोटल एटी थ्री परसेंट जो कैपेसिटी नहीं वो केवल रिन्यूअल एनर्जी के फील्ड में ही लगी है टू नाइनटी फाइव गी गावट चूँकि बता रहा है और जो टोटल आज की डेट में जो है अप टू दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी जो टोटल रेवीडी कैपेसिटी है वर्ल्ड वाइड वो है थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड सेवेंटी टू गी नेक्स्ट है गुजरात इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन हैज अप्रूव्ड डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी एम पी एस एज यूटिलिटीज पटीशन टू प्रोक्योर वन जीरो सेवन जीरो मेगावाट ऑफ आईस टी एस कनेक्टेड विंड सोलर हाइब्रिड पावर फ्रॉम द सेकी एट अ टैरिफ ऑफ टू पॉइंट सिक्स पर यूनिट इंक्लूडिंग अ ट्रेडिंग मार्जिन ऑफ सेवन पैसा पर यूनिट फॉर ट्वेंटी फाइव ईयर्स और ये जो बेसिकली जो डिस्कॉम है एम पी एसी जीड यूटिलिटीज ए पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी टू द कंज्यूमर्स इन द मुंद्रा एरिया ऑफ द स्टेट सीकिंग अप्रूवल द पावर सप्लाई एग्रीमेंट एग्जीक्यूटेड विद द सेके तो ये जो बेसिकली डिस्कॉम है ये मुंद्रा जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वहाँ पर जो inter, जो इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है नेक्स्ट है अंडर पी एल आई ट्रांच टू प्रोग्राम जिसमें है थर्टी नाइन पॉइंट सिक्स गिगावॉट का सोलर मॉड्यूल जो है एलोकेटेड कर दिया गया है अलॉट कर दिया गया है और इसमें जो है सेकिन ने टेंडर किया था और इसमें बेसिकली तीन बेसिकली uh, तीन स्टेजेस थे एक स्टेज था जिसमें कि पॉली uh, सिलकॉन से मॉड्यूल तक बनाने का था और जो दूसरा स्टेज था जो बास्केट था उसमें यह था कि uh, वेफर टू मॉड्यूल था और जो थर्ड स्टेज है उसमें सेल और मॉड्यूल कैपेसिटी थी जो फर्स्ट स्टेज था जिसमें कि बास्केट के पॉलिसिकॉन से लेकर के मॉड्यूल तक बनाना था उसमें तीन कंपनियों ने मिला है uh, इंडोसॉल्स सोलर जो कि सी डी साइड जो कि जो 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 ट्रांच वन था उसमें भी इसको एलोकेट किया गया था फोर थाउजेंड मेगावाट इसमें भी इसने छः हज़ार मेगावाट कैपेसिटी जो है मैनुफेक्चरिंग कैपेसिटी लगाया गया जिसमें कि पी के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो थ्री थाउजेंड मेगावॉट के लिए हो गया ये स्कीम का ही पार्ट है रिलायंस न्यू एनर्जी जो है सिक्स थाउजेंड मेगावाट लगाएगा और एफ इंडिया सोलर वेंचर्स जो फर्स्ट सोलर थ्री थाउजेंड मेगावाट तो ये फ्राम इनिशियल मतलब पॉलिसी कौन से लेकर के मॉड्यूल तक कैपेसिटी बनाएंगे और जिसमें पी एल आई की जो कैपेसिटी जो पी एल आई की जो एलिजिबिलिटी ऑलरेडी इसमें दिया हुआ आप देख सकते हैं इसमें थर्टी थ्री बिलियन रुपीज़ सी टी सई को मिलेगा रिलायंस को थर्टी पॉइंट नाइन एट मिलेगा और एफ एस जो है फर्स्ट सोलर जो है बेसिकली एलेवन पॉइंट सेवन एट है जो सेकेंड स्टेज है जिसमें कि आपको वेफर से लेकर के मॉड्यूल तक बनाना है इसमें बेसिकली पाँच कंपनियाँ वारी एनर्जी रिन्यू सोलर अवादा वेंचर ग्रीव एनर्जी जे एस डब्ल्यू रिनूअल टेक्नोलॉजी जो कि टोटल कैपेसिटी हो रही है सिक्सटीन थाउजेंड एट हंड्रेड और जो थर्ड स्टेज है जिसमें कि सोलर सेल और मॉड्यूल कैपेसिटी लगाना है हमें इसमें बेसिकली तीन कंपनियाँ हैं टी पी सोलर विक्रम सोलर और एम पिन सोलर एम पी एनर्जी जिसमें कि टाटा सोलर जो है आपका फोर थाउजेंड मेगावॉट कैपेसिटी लगाएगा विक्रम सोलर टू थाउजेंड फोर हंड्रेड और एम पी एनर्जी वन थाउजेंड जो कि सेवन थाउजेंड मेगावट हो रही है तो टोटल जो कैपेसिटी जो लग रही है इसके हिसाब से थर्टी नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड मेगावाट और थोड़ा सा मैं आपको इसमें और बाइफर कट करूँ जो जिसमें कि 15,400 जो मेगावाट है ये टोटल फुल सप्लाई चेन में कैपेसिटी लगेगी ये पॉलिसकॉन भी बनाएगा वेफर भी बनाएगा सेल भी बनाएगा और मॉड्यूल कैपेसिटी बनाएगा जो दूसरी जो वाली कैटेगरी है वो आपको वेफर बनाएगा उसके बाद पॉलिसिकॉ सिल्का, पॉलिसकॉन बाहर से लाएगा जिसमें वेफर बनाएगा वेफर के बाद फिर सेल फिर मॉड्यूल जो थर्ड कैटेगरी है उसमें है कि वेफर बाहर से भी ले सकते हैं और यहाँ से भी ले सकते हैं उसमें सेल बनाया जाएगा और मॉड्यूल बनाया जाएगा तो ये काफ़ी ह्यूज अचीवमेंट है और अगर ये कैपेसिटी अगर फुल्ली आ जाती है तो चाइना के बाद जो है इंडिया जो है सबसे लार्जेस्ट सोलर मॉड्यूल मैनुफैक्चरिंग कैपेसिटी में आ जाएगा नेक्स्ट एस जे वी एन हैज सिक्योर्ड जो एस जे वी एन है बेसिकली ये गवर्नमेंट कंपनी है जिसमें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हिमाचल प्रदेश की जॉइंट वेंचर कंपनी है ये जो कि हाइड्रो में मेनली काम करती है और रिन्यूल एनर्जी में काफ़ी एग्रेसिवली आ रही है तो एस जो है नाइन नाइन हंड्रेड फिफ्टीन क्रोड़ जो है ये जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कापरेशन से ले लिया है दो प्रोजेक्ट्स के लिए जिसमें कि नाइनटी ओम ईम ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट लगा रहा है एमपी में और हंड्रेड मेगावाट राघन सीधा सोलर पावर प्रोजेक्ट से गुजरात में वहाँ पर लगा रहा है ये जो टोटल अगर हम प्रोजेक्ट कैपेसिटी की बात करें प्रोजेक्ट टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट की बात करें टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है बेसिकली ट्वेल्व करोड़ का है और ये जो ऑपरेशन है ट्वेंटी में स्टार्ट हो जाएगा next, the ministry of power, government of india, has invited comments on the draft carbon credit trading program, a part of the energy conservation amendment bill 2022. the draft proposes that the indian carbon market governing board would oversee the indian carbon market, compromising members from the various relevant central ministry and agencies. Next, the Airport Authority of India has given the target to most of the airports to achieve 100% use of the green energy by 2024 and net zero by 2030. Currently, Mumbai, Cochin, and 25 other Airport Authority of India airports are using 100% green energy. Next, the Ministry of Power has invited comments from the stakeholder on the draft electricity right of consumer amendment rules 2023. Next, the Indian Renewable Energy Development Agency IRIDA, has approved 32,760 crore worth of loans in financial year 2023. 37 परसेंट मोर ईयर ऑन ईयर लेंडर अब ये तो एक्चुअली अप्रूव्ड है और एक्चुअल डिसबर्समेंट कितना हुआ एक्चुअल डिसबर्समेंट इज अराउंड सिक्सटीन थाउजेंड थ्री हंड्रेड ट्वेंटी करोड़ का लोन्स हुआ है जो कि अगर हम लोग पिछले साल से कंपेयर करें ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू से तो ज़्यादा ही है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है अगर फाइनेंशियल ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू में सिक्सटीन थाउजेंड सेवेंटी वन करोड़ रिलीज किया था डिसबर्स किया था और ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री में सिक्सटीन थ्री हंड्रेड ट्वेंटी करोड़ रिलीज़ किया है नेक्स्ट सोलर एनर्जी कॉर्पोशन ऑफ इंडिया सेकी प्लांस टू इट्स फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर कमर्शियल इंडस्ट्रियल प्रोक्योरर्स इन अर्ली नेक्स्ट फाइनेंशियल ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री अभी तक इस सेगमेंट में मैक्सिमम प्राइवेट प्लेयर्स ही थे अब इसमें है कि सेकी भी इसमें आ रहा है नेक्स्ट एन टी सी रिनूवल एर्नर्जी लिमिटेड एन टीपीसीआरएल हैज साइंड एग्रीमेंट विद इंडियन आर्मी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स इन आर्म्ड फोर्सेज स्टेब्लिशमेंट द जॉइंट ऑफ पोटेंशियल साइट वड भी अंडरटेकन फॉर सेटिंग ऑफ ग्रीन हाइड्रोन प्रोजेक्ट फॉर सप्लाइंग एल्ट्रिसी इन फेस्ड मैनर next india will need an investment of 14.5 trillion dollar by 2027 to uh, not uh, dollar 14.5 trillion rupees by 2027 to install the re capacity of 210 gigawatt and battery energy storage of 8.6 gigawatt only 34.7 gigawatt hour to meet the energy growing demand for the electricity next a uh, 3.4 gigawatt tamil nadu solar manufacturing facility by first solar to be commissioned in second half this year नेक्स्ट टाटा पावर सोलर सिस्टम रिसीव द लेटर ऑफ अवार्ड ऑफ द वन थाउ सेवन हंड्रेड फिफ्टी फाइव फॉर सेटिंग अव थ्री मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट्स बाय एनएलसी इंडिया एनएलसी इंडिया जो है मिनिस्ट्री ऑफ टीव एन रीन एर्नजी की सी पी एस ई उसके अंदर ये प्रोजेक्ट्स लगा रहा है नेक्स्ट जे एनर्जी एक्वायर्स वन ग्रीन एसेट्स ऑफ मित्रा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड फॉर ओवर वन करोड़ नेक्स्ट एन टी पी सी ग्रीन एनर्जी है साइंड ए टर्म सीट विद ग्रीन को जीरो सी ए ग्रीनको ग्रुप कंपनी टू सप्लाई वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड मेगावाट राउंड द क्लॉक आर पावर फॉर पॉवरिंग ग्रीनकोज अपकमिंग ग्रीन अमोनिया प्लांट एंड काकीनाडा नेक्स्ट श्रीलंका विल साइन ए मेमोरियल फॉर्म अंडरस्टैंडिंग विद इंडिया टू प्रमोट रिन एनर्जी एज द आईलैंड नेशन एम्स टू जनरेट सेवेंटी परसेंट इलेक्ट्रिटी रिक्वयरमेंट फॉर्म द रिन एनर्जी सोर्सेस बाई ट्वेंटी थर्टी और एक किसी कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफी ह्यूज अचीवमेंट होगा अगर टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट है टोटल पावर रिक्वायरमेंट का सेवेंटी परसेंट जो रिन्यू एनर्जी से अगर मीट कर पाता है तो नेक्स्ट जिंदल स्टेनलेस स्टील हैज पार्टनर्ड विद रिन्यू टू डेवलप थ्री हंड्रेड मेगावट हाइब्रिड एनर्जी प्रोजेक्ट्स एंड इज एक्सपेक्टेड टू कमेंस द ऑपरेशन इन द नेक्स्ट एटीन मंथ्स नेक्स्ट एच जे एंड इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हैज एग्रीड टू फॉर्म ए जॉइंट वेंचर फॉर रिन्यू एनर्जी प्रोजेक्ट्स बेटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम एंड स्टोरेज प्रोजेक्ट्स The Indian Energy Exchange (IX) traded a total of 129 million units in GTEM in March 2023, which is 6.5% less than the volume traded in the February 2023. The average trade price in IX GTEM for March 23 was uh, around 5.6 per unit, which is about 0.9% less than the previous month's price. Next, eh, SECI will launch a mega tender for aggregation of demand for green hydrogen in the country as part of the implementation of the National Green Hydrogen Mission. नेक्स्ट एम एन आई इश बीडिंग ट्रेजेक्ट्री फॉर रिन एनर्जी प्रोजेक्ट्स नेक्स्ट गुजरात इलेक्ट्रिस रेगुलेटरी कमीशन है जी अप्रूव द एडिशनल सर चार्ज ऑफ रुपीज़ पॉइंट सेवन सिक्स पर यूनिट एप्लीकेबल टू ओपन एक्सिस कंज्यूमर्स फॉर द पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर और इसी तरह से तेलंगाना इस्टेट इलेक्ट्रिस रेगुलेटरी कमीशन जो है उसने थर्टी नाइन पैसा पर यूनिट अप्रूव किया है होप दोस्तों मेरा ये जो वीडियो है एनर्जी न्यूज़ पर आपको पसंद आया होगा आपको पसंद आया होगा तो फिर मेरे चैनल को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू जय हिंद